नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को प्रखंड स्तरीय तरंग मेघा उत्सव 2022 का आयोजन गांधी स्टेडियम में किया गया। इस प्रतियोगिता में सदर प्रखंड के तमाम सरकारी स्कूलों के सैकड़ों छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, 100 मीटर की रेस, ऊंची कूद आदि खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस संबंध में बेगूसराय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि यह तरंग प्रतियोगिता प्रखंड स्तर पर आयोजित है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित छात्र और छात्राएं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उसके बाद जिले में चयनित छात्र और छात्राओं को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे हमारे जिले का नाम रोशन होगा और बिहार का नाम रोशन होगा। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं उपस्थित थे। ये तरंग मेधा उत्सव में इवेंट्स हैं, 60 मीटर दौड़ है, 300 मीटर दौड़ है, बॉल फेंक है, इसी तरह से आपको लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, 800 मीटर दौड़ है और ये सब ग्रुप वाइज है, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17। पूरा बेगूसराय के बच्चे हैं, पूरा बेगूसराय प्रखंड के हैं, पूरा बेगूसराय प्रखंड के ये सभी बच्चे कम उम्र की लड़कियां जो भी है तैयार हो जाए। चयनित होकर आज प्रखंड जितनी भी लड़कियां हैं वो कृपया तैयार हो जाए स्टार्टिंग पॉइंट पे, चयनित होने के बाद और जो भी गार्जियन है टीचर है सब पीछे हो जाए। जिला स्तर पर चयनित होंगे तो प्रमंडल स्तर पर जाएंगे, प्रमंडल के बाद मतलब ये स्टेट। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से साहिब सिंह की रिपोर्ट।